हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये अनंत रेडी हो गए और आज ना मतलब अनंत का फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस पब्लिकली है और मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा दिन। एक्चुअली मैं इसका परफॉर्मेंस देखते देखते बहुत ही रोने लगी थी। मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा था देख के, मेरे को लगा कि यार इतना छोटा कैसे क्यूट इतना कर ले रहा है। और इसकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, ये बहुत बहुत चीज खुश चीज था। ये कौन सा पोज है? नी है, ये कौन सा पोज है? हाँ, अच्छा कैसे डांस कर? डांस धक धक कैसे खा खा? हाँ, अच्छी अच्छी करो बाय नी, अच्छे से जाना ठीक है। हाँ, इसको ना एक बार बोलना मैम को परफॉर्मेंस के पहले ना सुसुपोटी का पूछ लें ठीक है। हमें 3:30 बजे पेरेंट्स को है तो इसलिए बोल रही। बाय बेटा। तो पेरेंट्स और बच्चों की टाइमिंग अलग थी, बिकॉज़ पेरेंट्स के साथ बच्चे जाते ना तो वो कॉपरेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अनंत गया। उसके बाद फिर मैं फटाक से रेडी होने चली गई, तो ये साड़ी मैंने पहनी। उसके बाद फिर थोड़ा सा मेकअप वेकअप किया और रेडी होके चले गए। तो आप ना अनंत का परफॉर्मेंस देख के, मतलब यार मैंने सोचा नहीं था, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी थोड़ा सा भी कि वो कुछ करेगा, बट उसके एक दिन पहले उसने घर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो आपको भी ना बहुत मजा आने वाला है। पानी नहीं दिख रहा है अपने के, देखिए धैन आने की छोटी सा। नहीं दिख रहा है वो अनी है। हाँ ई ना, हाँ चुप रहिए मत बोलिए बोलिए नहीं, नाक पोछ रहे लेकर नोजी आते वो अपने में मगन वाह वाह, वेरी गुड।
एंजॉय करके भरपूर, लेकिन खूब सब बच्चा अच्छा वो लाइन में लाने के लिए था, है ना, बेचारे बच्चे गड़बड़ में शुरू। अरे हाय मत करो यार, वो बच्चे गड़बड़ कर देते। मैम बोल रही थी कि पेरेंट्स करो यार, बेचारे बच्चे सब भूल जाएंगे। ये ना प्री नर्सरी के बच्चों का प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने गेम्स और परफॉर्मेंस रखे थे हर क्लास के लिए, एंड मॉम्स के लिए भी था, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड ने नहीं की कुछ भी बिल्कुल, और उसमें पार्टिसिपेट किया। तो बहुत ही ऑनेस्टली मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एवर इन लाइफ, लेकिन ट्रस्ट मी मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। और इसके बाद फिर छुट्टी हुई तो अनंत के डैड को मैंने बोला मैं लेने जाऊंगी, आप नहीं रुको। फिर मैं लेने गई, अनंत से वेट कर रहा था बुजुर्ग। मतलब ये एक ना अलग ही एक्सपीरियंस होता है एज अ मॉम, मतलब आप समझ सकते हैं यार कैसा फील होता है। उसको परफॉर्म करते देख के ना मैं तो ऐसे रो पड़ी थी, मुझे ऐसा लग रहा था यार अभी तो ये पैदा हुआ था। उसको सारे स्टेप्स ना बहुत ही अच्छे से याद थे, मतलब दैट इज मतलब मेरे लिए बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब
मतलब मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मतलब बहुत, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कुछ करेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है थोड़ी उसकी नॉटीनेस बढ़ती जा रही है, बट स्टिल जब उसने किया ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इसको कैप्चर करके और शेयर करने के लिए। तो आई होप आपने भी देखा होगा। सो इस व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं देन प्लीज मस्ट सब्सक्राइब। क्या बोले, अच्छा लगा डांस करके? अनी हाँ। हाँ।